आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गोल्ड का मूवमेंट रहा है और अभी जो एक करेक्शन देखने को मिला है यहाँ पर लगभग 800 पॉइंट तक का करेक्शन देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट अगर हाई से देखें तो लगभग 1000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला है। तो लोगों के पास कि ये है कि सोना खरीदें या नहीं खरीदें, क्या आगे सोना और सस्ता होने वाला है, या फिर दिवाली या फिर आगे जो शादियों के सीज़न हैं उनमें आपको सोने के क्या भाव मिलेंगे, या फिर अभी ख़रीदारी करें या दिवाली के पहले ख़रीदारी करें, कुछ ऐसे ही टॉप बातों पे यहाँ पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि इस समय सोने में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो एक मुनाफा वसूली है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में हो या फिर भारतीय बाज़ारों में। भारतीय बाज़ारों में रुपए में थोड़ी देखने को मिली है, इस वजह से भी सोने में यहां पर गिरावट का रुख है और साथ ही चांदी में भी यहां पर गिरावट का रुख है। अब सोने में अभी आपने हाल फिलहाल में 40,000 के दाम देखे, लेकिन इस समय सोना लगभग 38,700 के पास ट्रेड हो रहा है। फ्यूचर यानी कि आप जब सोना खरीदने जाते हैं उसके ऊपर मेकिंग लगती है, लगभग आपको 15% तक की जो है वो GST और यहाँ पर मेकिंग वगैरह सब मिला करके आपको कॉस्ट पड़ती है। तो अभी इनके दामों में जो 800 से 1000 पॉइंट तक की एक करेक्शन आई है, ये अच्छा मौका है ख़रीदने का या नहीं, तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको और इंतज़ार करना चाहिए और 28 सितंबर तक दामों में बहुत बड़ी यहाँ पर बढ़त देखने को नहीं मिलेगी। ये जो अभी जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है ये गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। इनफैक्ट ये कहें कि ये अभी 38,000 तक से नीचे तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, यानी 37,800 तक आपको फ्यूचर मार्केट में और स्पॉट में, यानी जब आप 22 कैरेट का सोना लेने जाते हैं तो वो दाम शायद आपको यहाँ पर 35 से 36,000 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। तो यानी जो ख़रीदारी करनी है उसके बारे में, उसका सही मौका जो है वो आपको 20 अप्रैल के बाद और 28-30 अप्रैल के बीच में आपको 30 सितंबर के बीच में आपको एक मौका मिलेगा। यानी कि फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आप 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में अगर सोना खरीदने जाते हैं तो आपको यहाँ पर सोने के दाम नीचे मिल सकते हैं और अच्छे मिल सकते हैं। और आप जो ख़रीदारी करेंगे उसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप सोना 24 कैरेट का नहीं ख़रीदते हैं, 22 कैरेट का सोना ख़रीदते हैं तो ज्वेलर से आप यहाँ पर अच्छे से निगोशिएट कर सकते हैं कि आप 22 कैरेट का सोना ले रहे हैं, उसका दाम कम है, साथ में मेकिंग पे यहाँ पर डिस्काउंट मांग सकते हैं। और ओवरऑल आप अगर देखें तो सोने के ज्वेलरी का सुख भी इन गिरते हुए भाव में उठा सकते हैं। अब जैसे लोग खरीदना चाहते हैं दिवाली के लिए, तो मुझे लगता है कि दिवाली से पहले आपको सोना सस्ता मिल सकता है।